मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर घंटाघर देहरादून में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहा, जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की विपुल जनता का, जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी, हम हर क्षेत्र में आगे जाएँ, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी अभी हमने जो फैसले लिए हैं वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आगे चलकर सब लोग अपनी परीक्षाएं जो अभी 7000 परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं की तैयारी करें और भविष्य में उनको सारी परीक्षाएं निष्पक्ष और बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से होंगी, उनको कोई संदेह करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। सर, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, किस तरीके से आप पूरे देश भर में इस तरीके उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है और उनका ये कर्म और मर्म की भूमि उनके लिए, उनके उत्तराखंड के हर स्थान से हो, हर व्यक्ति से हो, एक अलग प्रकार का लगाव है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में विशेष उत्साह है और उन्होंने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो यहाँ पर, चाहे आज चार धाम सड़कों की बात हो, ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हवाई सेवाएँ हों या स्वास्थ्य सेवाएँ हों, हर क्षेत्र में उन्होंने एक, मैं कहूँ कि भूतों नंबर पहले के समय में जो सोचते भी नहीं थे उन सभी कामों को किया है। इस अवसर पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, भारत को एक पहचान दिलाने की काम किए, भारत को एक समर्थ भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के रूप में जो उनके नेतृत्व में पहचान मिली है, वो सतायु हों, दीर्घायु हों, उनका मैं बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदारनाथ जी से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए और उनका नेतृत्व हमको सालों सालों तक प्रदान होता रहे।